मैच नंबर 40 डीसी वर्सेस एसआरएच। आज हम बात करेंगे गाइस कि दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में जो 40वां मैच होने वाला है आईपीएल 2023 का, ये मैच कैसा होगा। पहली बात तो ये मैच होगा गाइस अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा दिल्ली के अंदर। गाइस हम देख रहे हैं कि दिल्ली की परफॉर्मेंस बहुत नीचे जा चुकी है गाइस, पर दिल्ली अपना लास्ट मैच जीती है गाइस और हैदराबाद अपना लास्ट मैच हारी है। तो आपको फाइनल टीम तो गाइस कि कौन जीतेगा ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी गाइस। एम किंग स्पोर्ट्स टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। साथ में अगर आप उसका फुल डिटेल एनालिसिस चाहते हैं तो mkingsports.com पे जाइए, हमारे ब्लॉग को रीड कीजिए जहां पे आपको प्लेयर की परफॉर्मेंस के बारे में, कौन विकेट लेगा कौन नहीं लेगा, पिच क्या बोलती, कैसे मैच चलेगा, हर चीज की डिटेल से माइनट आपको वहां पे हमारे एनालिसिस मिलेगी गाइस। साथ में अब इस मैच की बात करते हैं गाइस। तो पिछले मैच में सबसे ज्यादा रन गाइस मनीष पांडे और अक्षर पटेल ने बनाए थे गाइस, किसके लिए, दिल्ली के लिए। और अगर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अक्षर पटेल ने प्लेयर ऑफ द मैच का भी अवार्ड जीता था। तो गाइस अक्षर पटेल कंसिस्टेंसी के साथ इंप्रूव कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं, दिल्ली को जिता रहे हैं। और साथ में है डेविड वॉर्नर। तो जो लोग ड्रीम इलेवन खेलते हैं, फैंटेसी लीग खेलते हैं, स्मॉल लीग खेलते हैं और ग्रैंड लीग खेलते हैं, उन्हें फाइनल टीम हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी गाइस। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं इसमें आपको बहुत बड़ा अपडेट देने वाला हूं। साथ में आप टेलीग्राम चैनल पे आपको टॉस विनर हो, मैच विनर हो, सेशन हो, सब वहां मिलेंगे गाइस। अब बात करते हैं गाइस सबसे पहले इस मैच के बारे में कि आपको अक्षर पटेल और मनीष पांडे को टीम में रखना ही रखना है। और डीसी के की प्लेयर डेविड वॉर्नर है, मिशेल मार्श है, एनरिक नॉर्किया है, कुलदीप यादव, इन्हें भी आपको टीम में रखना है गाइस। एसआरएच की बात करें तो हैरी ब्रुक गाइस जो कि एक मैच में शतक मार के उसके बाद अभी तक चले नहीं, उन्हें भी टीम में मगर आपको रखना जरूर है गाइस, क्योंकि इस बार ग्राउंड छोटा है तो अपने आपको प्रूव जरूर करेंगे। एडम मार्करम सुस्त पड़े सीरीज में अभी तक, बट ये मैच में काफी अच्छा उनके आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा उनमें गाइस। मार्को येंसन मस्ट पिक है गाइस, कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं आप। और मैक मार्कंडे को भी आपको टीम में रखना है। प्लस गाइस टॉस की बात करें तो जीतने वाली टीम को पहले गेंदबाजी करनी चाहिए क्योंकि पिच की डिमांड ये है। पिच रिपोर्ट ये पिच बैट्समैन और बॉलर दोनों को इक्वली सपोर्ट करता है गाइस, तो एक बैलेंस पिच है, तो यानी हमें बैट्समैन और बॉलर और ऑलराउंडर का एक बैलेंस बना के अपनी ड्रीम इलेवन की टीम में रखना है गाइस। साथ में गाइस यहां का जो एवरेज है वो फर्स्ट इनिंग्स को 165 रहता है गाइस। पिच पेसर्स और स्पिनर्स को इक्वली सपोर्ट करता है, यहां पर चेस करने वाली टीम के जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बट गाइस हमारा जो प्रेडिक्शन है आज देखिएगा 165 प्लस बनेंगे गाइस, आज ये हाई स्कोरिंग बन सकता है गाइस। हेड टू हेड गाइस बात करते हो डीसी और एसएच के बीच में 12 मैचेस खेले गए अभी तक और डीसी ने 6 जबकि हैदराबाद ने 5 जीते। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा पलड़ा भारी जो है वो डीसी का है कहीं ना कहीं, मगर एसआरएच जो कि मैच हारते हुए आज कमबैक की पूरी कोशिश करेगी, तो हम कहते हैं कि डीसी ये मैच जीतेगी हमारे हिसाब से, ये 48-52 का हम कह सकते हैं परसेंटेज में। बट गाइस फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम पे ही मिलेगी, तो आइए टेलीग्राम पे आइए गाइस, बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग जीत रहे हैं लाखों रुपए और आपको वहां फाइनल प्रेडिक्शन भी मिलेगा। तो अपना प्यार दिखाइए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और जो लोग मैच खेलते टॉस खेलते उन्हें भी फाइनल प्रेडिक्शन वहां मिलेगी। और जो लोग क्रिकेट के दीवाने हैं, स्पोर्ट्स के दीवाने हैं हमारे जैसे, एमकिंग स्पोर्ट्स को ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में और कलीग्स में ताकि वह भी इस मैच के फुल डिटेल एनालिसिस को जान पाए और उस हिसाब से अपना फैंटेसी लीग में पैसा कमा पाए और जो मैच खेलते हैं उनके लिए भी। थैंक यू गाइस।